दोस्तों, मैं हूं अर्पिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक DIY आई जेल लेके आई हूं, या फिर आप इसे आई सेरम भी बोल सकते हो। बेसिकली आज का जो टॉपिक है डार्क सर्कल के ऊपर है, या फिर डार्क स्पॉट भी कह सकते हो। इसे आप एज अ नाइट मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हो। कईयों के फेस में डार्क स्पॉट्स आ जाती है, काफ़ी ब्लैक ब्लैक पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे होता क्या है, स्किन बहुत गंदी लगने लगती है, बहुत ही डल लगने लगती है। और आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, जब हमारे फेस में स्पॉट होती है और स्पॉटलेस फेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। आपके फेस अगर स्पॉटलेस होती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और आपकी पर्सनालिटी एक अलग लेवल में आ जाती है। लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, आजकल सोशल साइट में बहुतों की एक क्वेरी हो गई है कि डार्क सर्कल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। क्या आप जानते हो डार्क सर्कल क्यों पड़ते हैं? बेसिकली डार्क सर्कल पड़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला कारण होता है पुअर लाइफस्टाइल। अब पुअर लाइफस्टाइल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम पानी कम पीते हैं, और इसके साथ साथ हमारी आइज के ऊपर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं। आजकल लाइफ की जो प्रेशर है, हमारी लाइफ की जो डे टू डे लाइफ की रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं हम, और साथ ही साथ बहुत पैक्ड अप हो जाते हैं। तो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हमारा सर पे होता है, साथ ही साथ ही आइज के ऊपर होता है, क्योंकि अभी लाइफ बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गई है। तो हर वक्त हम कंप्यूटर पे बैठे होते हैं या फिर मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे आइज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण हमारे डार्क सर्कल होना एक बहुत ही आम बात हो गई है। कईयों के साथ ये हेरिडिटी होती है, कईयों को हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है। हेरिडिटली अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपके आइज में, तो आप देखोगे उनकी आइज हमेशा डल दिखती है, हमेशा बहुत ज़्यादा ब्लैकिश उनकी आंखों के चारों तरफ घेरे होती है। और इससे क्या होता है, आपका जो फेस होता है ना, भले ही आपका फेस ग्लोइंग हो, लेकिन आइज जैसे ही आपकी थोड़ी डल होती है और ब्लैक सर्कल होते हैं चारों तरफ, तो बहुत ही एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जैसा लुक आने लगता है। लेकिन हमें क्या करना है, तो ऐसे सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, आजकल के डेज में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है डार्क सर्कल के पीछे जो कारण है, शायद हम उसे इग्नोर करें, कई बार मैं भी कर जाती हूँ, और मुझे भी डार्क सर्कल के प्रॉब्लम्स आए हैं गए हैं, तो ये मेरे साथ भी चलता रहता है। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैंने समझा है, मैंने जो चीज़ों को फॉलो किया है, वही मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में, ताकि इससे आपको भी हेल्प हो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूँगी, अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बगल में एक बटन होगा बेल बटन, उसे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आऊँ आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए, सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रही थी कि आजकल सबसे ज़्यादा कारण क्यों है, क्या है डार्क सर्कल का, सबसे बड़ा जो कारण है वो है नाइट में मोबाइल का स्क्रॉल करना, या फिर नाइट में लैपी के ऊपर काम करना। आप देखोगे जब आप लाइट्स में मोबाइल देखते हो या फिर लैपी देखते हो, कभी कीजिएगा मेरे आज बताने के बाद इसी बात को नोटिस कीजिएगा, आपकी आंखों में स्ट्रेंथ थोड़ा कम पड़ता है, एज कंपेयर कि आप जब अंधेरे में अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हो घंटों भर और लैपी में काम करते हो, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है जब हम अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं अंधेरे में, और या फिर आप लैपी भी कह सकते हैं, या फिर टीवी भी हम लोग जब अंधेरे में देखते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आइज को नुकसान होता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये बंद करनी पड़ेगी, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, जैसे अच्छे अच्छे खाने खाने पड़ेंगे, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा, ढेर सारा पानी पीना पड़ेगा। पानी भी कम पीने के कारण आप देखोगे आइज की जो आप जो लोग पानी कम पीते हैं ना, उनकी स्किन देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये बंदा पानी कम पीता है, स्किन थोड़ी सी डल होती है, थोड़ी सी मुरझाई हुई होती है। भले ही आप बहुत महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स उसके ऊपर इस्तेमाल कर लो, अच्छे अच्छे स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लो, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है जब तक कि आप अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हो। तो जो DIY जेल मैं आपको दिखाऊंगी, आपको वो तो अप्लाई करना है, उसे तो फॉलो करना ही है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करना है। तो अच्छे से मिनिमम 7 घंटे सोइएगा, ये एक मेरी आप लोगों से दरखास्त है। अगर आप 7 घंटे सोते हो एकदम शांति से, तो साउंड स्लीप, तो आपको मैं एश्योरेंस दे रही हूँ, धीरे धीरे आपकी जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आएगी, और जितना हो सके लाइट के नीचे मोबाइल या फिर लैपी का इस्तेमाल कीजिए, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सबसे ज़्यादा ये नुकसानदायक होता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक DIY जेल लेके आई हूँ, जिसे आपको सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें है कॉफ़ी,
कॉफ़ी कंटेन्स कैफिन और कॉफ़ी बहुत अच्छा माना जाता है स्किन से टैन को रिमूव करने के लिए। इनफैक्ट अगर आपके फेस में भी कोई स्पॉट आ रहे हो तो आप चाहे तो कॉफ़ी या फिर ये वाला जेल अपने फेस पे भी एज अ फेस मास्क या फिर नाइट मास्क लगा के सो सकते हो। ये वाला सेम क्रीम अगर आप अपने फेस पे 3 दिन इस्तेमाल करोगे ऑल्टरनेट डेज छोड़ के, ऑल्टरनेट डेज में आपको इस्तेमाल करना है, उसके बाद देखिए आपके फेस की जो धीरे छोटी छोटी जो एक्ने की जो स्पॉट होती है वो भी चली जाएगी। क्योंकि आप जानते हो कॉफ़ी कंटेन्स कैफिन और कॉफ़ी टैन रिमूव करने के लिए एक बेस्ट फॉर्मूला है, मैं अपने पहले ब्लॉग में भी आपको बता चुकी हूँ। और चलिए हम देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हमें ये DIY जेल बनाना है और इसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल, आमंड ऑयल, देन कॉफ़ी और एवियन कैप्सूल। दोस्तों ये चारों के चारों इंग्रेडिएंट्स ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आई जेल को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 स्पून कॉफ़ी, इसी के हिसाब से मैं आपको बाकी के सारे क्वांटिटीज़ दिखाती रहूँगी। तो 1 स्पून कॉफ़ी के साथ साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 स्पून एलोवेरा जेल जो कि मिक्स्ड है विथ रोज़ वाटर। मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर इसलिए लिया है क्योंकि रोज़ वाटर इसे मिलाने के कारण इसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। और इसमें मैं मिलाने वाली हूँ 1 एवियन कैप्सूल, जो अगर आप रोज़ वाटर डालते हो तो ये 1 मंथ तक आप इसे रख सकते हो इन विंटर और समर में 15 डेज। अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ आमंड ऑयल, आप किसी भी ब्रांड का प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद इसे आपको अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है। मिक्सचर आप अपने हिसाब से रख सकते हो, यानी कि थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बाय द वे मैं आपको बता दूँ कॉफ़ी में कैफीन होता है। कैफीन प्रमोट्स वेरी हेल्दी सर्कुलेशन ऑन आइज, जिसके वजह से हमारे आइज में टाइटनेस आ जाती है, पफिनेस चली जाती है, डार्क सर्कल्स भी दूर होते हैं, साथ ही साथ एक स्मूथनेस आ जाती है। और अगर आपके आइज में आई बैग्स की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे चली जाती है। तो कॉफीन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है इस रेमेडी को। तो इस रेमेडी को अपने घर में बनाइए और इसका इस्तेमाल करिए। वाला जेल है और मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ। सेम आपको इतना सा लेना है एंड आइज पे इसे अप्लाई कर लेना है। इसे सिर्फ नाइट में ही अप्लाई कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब या ऑकवर्ड कह सकते हो दिखेगा, और इस तरीके से डेफिनेटली हम बाहर नहीं जा सकते अपने आइज में। जस्ट हल्का सा, ज़्यादा इसे आपको रब नहीं करना है। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लैकिश सा एक लुक आ गया है इसे इस्तेमाल करने के बाद, जो कि इट्स नेचुरल क्योंकि इट कंटेन्स कॉफ़ी। कॉफ़ी की वजह से ये कलर आपका थोड़ा सा ब्लैकिश या फिर आप ब्राउनिश कह सकते हो। सेम इसी तरीके से ज़्यादा आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप लगा के सो जाओ। अगर आपको अपने फेस की पिगमेंटेशन को दूर करना है, पिगमेंटेशन की जो स्पॉट रह जाती है एक्ने की, जो उसे भी ये इजीली रिमूव कर सकता है। इसे आप एज अ फेस मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसे कह सकते हो नाइट मास्क। अपने फेस पे अप्लाई कर लो, इसे लगा के सो जाओ बड़े आराम से। उसके बाद सुबह उठो, अपना फेस ठंडे पानी से या फिर हल्का गुनगुना ज़्यादा नहीं, हल्का गुनगुना पानी से धो लो। उसके बाद देखो धीरे धीरे कैसे आपके फेस में एक रौनक आती है और साथ ही साथ आपके फेस से पिगमेंटेशन भी गायब होती है। तो ये था मेरा आज का नुस्खा, आपको कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प होगी शायद, क्या पता वो भी ऐसा ही कुछ नुस्खा ढूंढ रहे हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सोशल साइट में आके एक ही सवाल करते हुए, डार्क सर्कल कैसे जाएगी, कोई अच्छा सा क्रीम बता दो। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।